Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. So this is a lecture 2 on Amir Hamza Khan Shinwari, and in this lecture we will focus on his poetry. And this is again in the subject Pakistani languages and literature. Next one. So okay, significant features of Hamza's poetry. Unki shayari ke jo ahem khususiyat hai wo kya hai? So the first thing, tasawuf of mysticism. यानी जो सूफ़ी आइडियाज़ है उनका बहुत उनका रंग बहुत गहरा है हमज़ा की शायरी को बहुत मुतासर किया है उन्होंने. जिस तरह कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वह अब्दुल सतार शाह बादशाह जहान जिसे हम कहते हैं उनकी उनसे बयात की थी 1930 में, और तसव्वुफ़ के रंग में फिर वो हो रंग हो ये हमज़ा, और इसका असर उनकी शायरी पर भी पड़ा. हमज़ा बाबा वाज अ प्रैक्टिकल सूफी एंड हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सूफीज़्म. यानी सूफीज़्म के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, यानी जो इश्क हकीकी है, अच्छा अल्लाह से मोहब्बत है, कुरान से, पैगंबर से, अच्छा ज़िंदगी के हवाले से जो तसव्वुर है उनका, तो ये सारी चीज़ें उनकी शायरी में हैं. टेक फॉर एग्जांपल हिज फेमस डिवोशनल पोएम बेखबरा. बेखबरा उनका एक मशहूर ये पोएम है, और इस ये प्योरली मिस्टिक नेचर का है, और एक्चुअली डेडिकेटेड टू द मैन हु वाज हिज मुर्शिद. यानी जो उसका स्पिरिचुअल गाइड था अब्दुल सतार शाह, उनको डेडिकेट किया है. और इस पोएम में उन्होंने जो सतार शाह का लिनेज है, सिलसिला है तसव्वुफ का, उनका वो किया है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया तक वो ले गया है, और बल्कि मुइनुद्दीन चिश्ती तक वो ले गया है. मुख्तलिफ उन सब का जिक्र है, और सबको खराज तहसीन पेश करता है. जिस तरह के मैंने लिखा है आपको, बेखबर डेडिकेटेड टू द मैन हु वाज हिज मुर्शिद और स्पिरिचुअल गाइड अब्दुल सतार शाह बादशाह. इन दिस पोएम द लिनेज ऑफ सतार शाह हुम हमजा कॉल्स फख्र इल्म. उनको फख्र इल्म के नाम से वह याद करते हैं इस नज़म में भी, इस पोएम में भी. बहुत मुतासर थे अपने मुर्शिद से एंड बादशाह जान. लिंक्स टू दैट ऑफ द चिश्ती सूफी आर्डर. यानी उनका जो ताल्लुक था वो चिश्ती सूफी आर्डर के साथ था, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तक वो ले जाता है. दिस पॉइंट जो महबूब इलाही रिफर टू निज़ामुद्दीन अवलिया सेंट ऑफ द डेली कोर्ट. जो निज़ामुद्दीन अवलिया जो मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वो खलीफा थे, ठीक है, उनका जिक्र है. महबूब इलाही उनका वो एक टाइटल था, और इस तरह उनके जो स्पिरिचुअल गाइड थे मुइनुद्दीन चिश्ती, तो उनका भी जिक्र है. तो ये मशहूर उनका क्या है नज़म है, मैंने यह नहीं लिखा है लेकिन आप खुद पढ़ सकते हैं. बेखबर में लअम्रु नवाहिरा, बेखबर में लअम्रु नवाहिरा रात योशम सुपीती और सियाही का, ला सुखपे कप माग्रान दी तय लड़का, ला सुखपे कप माग्रान दी तय लड़का, पति बहर बेपायां के मिमा हिकड़ा, पखर इल्मा माद जान खबरदार का, रान लरे दाबी नूर अगा हिकड़ा, पवहलो टके तलो जेब शो, दारंग कुट्टे पखपल महल सिपाहिकड़ा. तो ये क्या है जो जिक्र है फख्र इल्म मैंने आपको बताया. तो ये एक तवील नज़म है, आप खुद पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट ओके, जो तसव्वुफ के हवाले से उसका एक और मशहूर हो क्या है नज़म है गरीब नवाज. गरीब नवाज इज अनदर पोएम ऑफ शिनवारी ऑफ मिस्टिक नेचर. इट इज आल्सो आप प्योरली मिस्टिक नेचर. इसका जो नेचर है, थीम है, वो भी तसव्वुफ का है. इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी डिस्कोर्स. दिस इज अ वेरी यानी लिटरेरी डिस्कोर्स का क्या मतलब है कि इसमें उन्होंने एक कन्वर्सेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है. ही डायरेक्टली टॉक्स टू गॉड,
ही क्या अलमाइटी गोया कि अल्लाह के साथ वो गुफ्तगू में है, तो इसको हम कहते हैं लिटरेचर को, डिस्कोर्स को, ऐसा स्पीच है ऐसा कि जिसमें आप इस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इन द वेरी फर्स्ट लाइन हमजा सेज, जी उनका मैंने जो थीम है वो दिया है डॉक्टर काबिल खान साहब से मैंने लिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। इन द वेरी फर्स्ट लाइन हमजा सेज दैट इफ आई केयर अबाउट यू अलमाइटी अल्लाह आई डोंट नीड टू अपकीप अबाउट एनी वन एल्स, यानी अगर अल्लाह अगर मैं मेरी नजर में तू है तो मैं किसी और चीज का मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, यू सेड दैट आई एम नॉट अटेंटिव टुवार्ड्स एनी जजमेंट डे, और इस तरह मेरी यानी नजर में तो सिर्फ तू है, तेरी तलाश में हूं मैं, और क्या है क्यामत के दिन का ये क्या है इस तरह मैं मुतवज्जो नहीं हूं, मैं तो सरगर्दा ही इस तेरी तलाश में हूं। फर्दर ही सेज दैट आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक अबाउट योर हाइनेस बट मे बी आई एम नॉट एबल टू स्पीक अबाउट योर ग्लोरी, यानी मैं तेरे सिफात बयान करता हूँ, ग्लोरी तेरी बड़ाइया बयान करता हूँ, लेकिन शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, अल्लाह तेरी जो क्या है शान है, तेरे शान है वो बहुत ऊंचा है, वो इंसान की बस की बात नहीं है कि टू इनकम्पास ओके दोज एस्पेक्ट्स ऑफ योर ग्लोरी। He said that the one who is in your search can see you. यानी otherwise God is like an illusion to those who don't want to find him. यानी अल्लाह को वही लोग पा सकते हैं जो तलाश में हो, और जो तलाश में ना हो जाहिर है कि उनके लिए गॉड इज जस्ट अ रेफरेंस और नथिंग, लेकिन जो अल्लाह की तलाश में है वो यकीनन अल्लाह को पा सकते हैं। अच्छा, हम तो सेड दैट द मैकेनिज्म दैट यू आर हेड फॉर मी इज पीक टू बी फाउंड, यानी ये बार ये कायनात का जो नेचर अल्लाह ने तख्लीक किया है, यानी जो क्रिएटर है वो हमारी नज़र में नहीं है, ठीक है नज़र नहीं आ रहा है, तो लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पीक में जाए तो फिर आप वो पा सकते हैं। फर्दर ही गेव आ रेफरेंस फ्रॉम रहमान बाबाज पोइट्री, इफ आई हैड अ स्ट्रांग बिलीफ इन यू आई वुड रीड टू योर एम्पिरियन, यानी अगर बिलीफ स्ट्रांग हो तो क्या कहता है कि मैं अर्श इलाही तक भी पहुंच सकता हूँ, इंसान अर्श इलाही तक पहुंच सकता है। एट द एंड हमजा इज शोइंग अ प्राउड फॉर हैविंग हिज गॉड एंड थैंकिंग हिम टू मेक हमजा एबल टू अप्रिशिएट हिज गॉड, यानी उनके है कि उनको इस काबिल बनाए कि वो अल्लाह की तारीफ करें, उनके शान उनके बड़ाइयां बयान करें। तो ये मैंने दिया है वो ये नज़म है, और ये ऊपर जो मैंने कुछ दिया है ये उसका इंग्लिश थीम है, चिमुदाम पुरतगउन के नाजियम। एंड यू शुड नो कि ये जो पिछला बेखबरा है और ये क्या है गरीब नवाज जो पोएम है, ये जो पश्तों का मशहूर सिंगर है रफीक शिनवारी साहब, उन्होंने ये गाए भी हैं, काफी इमोशनल है ये। चिमुदाम पुरतगउन के इस्ताद नाजियम, जगह से दहर चान नबी नियाजियम, द क्यामत वादत लंड रात प्रेखवा जल दे फरेबा ले दूर जदाजियम, द हस्तई द खूब वले नगमे सदी, दास्तई दा खूब वले नगमेरी खूब दाचे त मुतरबे जद साजियम, अगजचे स्ता त मखुम हकीकतियम, अगजचे स्ता त सरकमा मजाजियम। तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं, रफीक शिनवारी साहब ने गाया भी है, वो भी आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए सारे नज़म को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। नेक्स्ट हो ओके वहदतुल वजूद, द कॉन्सेप्ट ऑफ वहदतुल वजूद, ये भी क्या है तसव्वुफ का एक अहम वो मौजू है वहदतुल वजूद, और हमजा जो है वो वहदतुल वजूद का कायल नजर आ रहा है, उनकी शायरी को जब हम पढ़ते हैं ही एडुकेट्स दिस फिलासफी ऑफ वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद की जो फिलासफी है इब्ने अरबी शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी जो सूफिया के यहाँ बहुत मकबूल हैं और शेख अकबर के नाम से याद किया जाता है, तो उनसे बहुत इम्प्रेस नजर आ रहा है, और क्या है
खुद ये कलीमुल्ला शिनवारी जो मैंने आपको पहले बताया पिछले लेक्चर में कि जो हमजा बाबा के भतीजे हैं और उन पर पीएचडी की डिग्री है उनकी, उन्होंने कहा कि बाबा वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ शेख अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी अ ग्रेट मिस्टिक फिलासफर एंड पोइट बॉर्न एंड लिव्ड इन द 12th सेंचुरी। ठीक है, ये रेफरेंस भी मैंने दिया है। तो ये वहत वजूद की जो फिलासफी है इस पर इंशाल्लाह हम बहस करेंगे जो बायजीद अंसारी हैं उस लेक्चर में। यहाँ सिर्फ आपको ये याद रखनी चाहिए कि वहत वजूद की जो फिलासफी है कि इस कायनात में हकीकी वजूद सिर्फ अल्लाह की ही, बाकी जितने भी यानी क्या है कायनात में हमें जो कुछ नजर आ रहा है उनका अपना कोई वजूद नहीं है। दे डोंट हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, देयर इज ओनली रियली वन एग्जिस्टेंस एंड दैट इज अलमाइटी अल्लाह। यानी व्हाट एवर वी सी इन दिस यूनिवर्स दीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एसेंस ऑफ गॉड, ये अल्लाह की क्या है जात के मज़ाहिर हैं। तो ये क्या है कि यानी कायनात की इसमें मौजूद जितनी भी मखलूक हमें नजर आ रही हैं इनका अपना कोई वजूद नहीं है। ठीक है, ये एक ही जात की मुख्तलिफ वो मैनिफेस्टेशंस हैं और आखिरकार उसी जात में इन सबको जाना है, यूनियन विद दैट वेरी बीइंग। अच्छा, तो बजाते खुद बहरहाल ये काफी कंट्रावर्शियल फिलासफी हैं, कॉन्सेप्ट हैं, और जो उलमा है ठीक है इब्न अरबी के वक्त से लेकर आज तक इस पर काफ़ी वो तनकीद भी कर चुके हैं, बहुत से स्कॉलर्स हैं ठीक है वो इसको कुफर भी समझते हैं, इल्हाद भी समझते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी मसाइल इस्लाम के हवाले से काफ़ी वो चीज़ें वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और पोलिथीज़म जो है शिर्क के लिए जवाब पैदा होता है। तो एनी हाउ बायजीद अंसारी के लेक्चर में ये इस पर बहस करेंगे। ये शेर मैंने दिया है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलासफी जो वहदुलवजूद है इसकी झलक नजर आ रहे हैं। हुसन खुद यौदे पबार बार चिमय निगम, हुसन खुद यौदे पबार बार चिमय निगम, दाद अकबल वजूद ख्वारा अजदारा टोलोम। नीचे मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया है, योअर ब्यूटी, ये ब्यूटी हैज बीन द सेम इन द एंटायर यूनिवर्स बट आई फॉल इन लव अगेन एंड अगेन, दैट्स ऑल आई एम कलेक्टिंग द स्कैटर पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। यानी ये जो यूनिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ये अहम जो वहद वजूद का है, यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ इस शेयर में वही हमें नजर आ रहा है यानी कसरत में इबादत। अच्छा, नेक्स्ट हूँ। ओके, नेक्स्ट उनकी शायरी की जो खसूसियत है पश्तून नेशनलिज्म के हवाले से, तो जाहिर है कि शायर अपनी जिस जबान में वो शायरी करता है उसकी ग्लोरी वो तो बयान करता है, जिस माशरे में वो रहता है वो वहाँ उसकी तारीफ करता है अपने लोगों की। तो ये हमजा भी बीइंग ह्यूमन बीइंग ही हैज नो एक्सेप्शन। अकॉर्डिंग टू कलीमुल्लाह शिनवारी ऑल्दो हमजा बाबा वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ इब्न अरबी सूफी आइडियाज ही अमंग मैचड द कॉन्सेप्ट ऑफ पख्तून नेशनलिज्म ऑफ खुशहाल खान खटक एंड सूफी थॉट्स ऑफ रहमान बाबा फॉर द प्रैक्टिकल यूज ऑफ मॉडर्न डे पख्तून्स। यानी अगरचि वो सूफी हैं लेकिन कहता है कि खुशहाल खान खटक के जो पख्तून नेशनलिज्म है और रहमान बाबा के जो सूफी आइडियाज हैं उनका क्या है उनको एमल्गमेट किया है, उनका एक खूबसूरत इम्तिजाज है हमजा शिनवारी। फॉर एग्जाम्पल उनकी मुख्तलिफ जो क्या है अशार है इससे ये अखज़ किया जाता है, हमजा हैज़ डीप लव फॉर हिज पख्तून पीपल एंड पख्तू लैंग्वेज, तलब पलार द मेड़ानो सर अजम यम पख्तून द पख्तनो सर अजम, ये उनके मशहूर वो गजल हैं। फॉर एवर शल आई गो विद द ब्रेव्स फॉर आई एम पख्तून एंड विद पख्तून आई गो।
ठीक है, ये उनका ट्रांसलेशन है। अग्यार खुवाई द दोजख जबदा जब जन्नत तदा पख्तो सरदम, ये एक और मशहूर उनका है। इसी ही एक गजल का एक शेर है, द एडवर्सरी ओके द एनिमी द अपोनेंट ब्रॉन्ज एट अ लैंग्वेज ऑफ हेल बट टू हेवन आई शैल गो विद पश्तो। ठीक है, ये ट्रांसलेशन है। हमजा पलार कद हिजाज भी नुहम जद पुख्तुन द काफिर ओ सर आजम, यानी अगर मैं बैतुल्ला की तरफ भी जाता हूँ, ठीक है, तो पश्तून जो काफिला है इनकी कंपनी में ही मैं खुशी महसूस करता हूँ। हमजा वन एफ एट फॉर अ जर्नी टुवार्ड्स हिजाज आई वुड लाइक टू कीप द कंपनी अ पख्तून कारवान। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें उनकी, यानी अपनी पश्तून कौम अपने माशरे के लिए उनके जज्बात का इजहार है। नेक्स्ट ओके, मजीद वो कहता है इस हवाले से, ही वांट्स द यूनिटी ऑफ पश्तून पीपल फॉर द नोबल काज ऑफ देयर प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजेस टू डू एवरी एफर्ट फॉर द सेक ऑफ देयर यूनिटी। यानी वो जो पख्तून कौम है, जो लोग हैं उनके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से वो काफ़ी क्या है जस्तजू कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो इकट्ठे हों। अनटिल आई ब्रिंग देम ऑल टू वन सेंटर आई शैल गो विद द जरकास्ट टू एवरी ट्राइब। ये उसी ही गजल का एक हिस्सा है, जिसको जो शेर है असल में कि चिसूरा वन पयो मरकज नकलम हरि तपे तद जरगो सरदम। तो ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यानी मैं यानी यहाँ आपको जरगा भी नजर आ रहा है और वहदत की भी वो एक पख्तून कौम की पख्तून लोगों की दरमियान इत्तेफाक की वो बातें कर रहा है। हमजा समटाइम्स कंप्लेन दैट हिज पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड हिज मैसेज प्रॉपरली, उनको गिला भी है शिकवा भी है कि लोगों ने उनके पैगाम को नहीं समझा है, उनको मिस इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। ला पोपक द पख्तूनख्वा हम जले दले नयम ज अवन मरियम तो वक्त चिरा खतले नयम। आई हैव नॉट येट शोन ऑन द होराइजन ऑफ पख्तूनख्वा आई एम दैट यूनिवर्सल सन विच हैज नॉट राइजन। यानी यहाँ शायद तो हमजा ये कहना चाहता है कि उनकी पख्तून शायरी के हवाले से उनको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। वो तो एक यूनिवर्सल सन है कि तरह कि हर जगह वो क्या है सारी दुनिया के लोगों की वो बात करना चाहता है, लेकिन चूंकि जाहिर है कि सबसे पहला जो रिफॉर्म वर्क होता है वो अपनी ज़ात और क्या है अपने माशरे से शुरू होता है, लिहाजा उन्होंने पख्तून माशरे को फोकस किया है और इसी ही तनाजुर में इसको देखना चाहिए। सो यानी इट इज़ अ पैसिव नेशनलिज्म नॉट एग्रेसिव। ओके, इट इज़ हाई फॉर वर्थ वाइल टू नोट दैट हमसा नेशनलिज्म इज नॉट लाइक पोलिटिकल बायस्ड नेशनलिज्म। यानी वो जिस काम जो सियासी तासुब पर मबनी होता है वो नेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि वो क्या है बेसिकली एक सूफी शायर भी है, वो सूफिया क्या है उनके अकायद से मुतासर भी है। तो जाहिर है कि वो जो इस तरह बायसिस की बुनियाद पर जो नेशनलिज्म कड़ा होता है जिसको हम पॉलिटिकल नेशनलिज्म भी कह सकते हैं, तो उसी के वो कायल नहीं है। ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन द यूनिटी ऑफ हिज पीपल फॉर दियर एलिवेशन टू द जंक्शन ऑफ एक्सेलेंस। क्या आपने जो लोग उनके हैं वो क्या किया जाए कि उनकी यूनिटी की है और ताकि वो खुशहाल हों, उनको क्या है एक अहम मुकाम हासिल हो, तो इस वजह से वो इन चीज़ों पर फोकस करता है। और कलीम शिनवाली नोट्स दैट हमजा निगेटेड एग्रेसिव नेशनलिज्म। उन्होंने खुद ये कलीम शिनवाली ने भी तस्लीम किया है कि वो जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है वो उसके निगेशन करता है, जिस तरह की मैंने बताया, और पैसिव नेशनलिज्म हम इसे कह सकते हैं। हमजा बाबा वांटेड पश्तून टू मेंटेन देयर ट्रू आइडेंटिटी एंड अपहोल्ड हाई सोशल एंड मॉरल वैल्यूज टू सेफ गॉड ह्यूमैनिटी अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्रेजुडिसेस। यानी वो हर किस्म के तासुब के खिलाफ है वो, और वो
सिर्फ उनके जो मॉरल वैल्यूज हैं, उनके जो हाई सोशल है, उनकी आइडेंटिटी है, वो चाहता है। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल पुख्तू बाबाज राइटिंग वॉज इन फैक्ट द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिज सूफी थॉट, जिस तरह मैंने भी आपको बताया, ठीक है जी। और मेरे ख्याल में इस हवाले से वो इकबाल से काफी वो मुतासिर नजर आ रहा है। उनका जो मर्द मोमिन का कॉन्सेप्ट है इकबाल का, या हम उनकी हमजा के जो आइडियल पुख्तून है, वो सिफात हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट ओके, तो जिस तरह मैंने बताया कि इकबाल से मुतासिर नजर आ रहा है, और इकबाल की किताबों का तर्जुमा भी किया उन्होंने, इस तरह रहमान बाबा के दीवान का उन्होंने पश्तो में सॉरी उर्दू में तर्जुमा किया, तो जाहिर है कि वो उनके आइडियाज से मुतासिर हैं। फॉर हम सब पख्तो इन इस्लाम आर टू फेसेस ऑफ अ काइंड, द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन आइडियल पख्तून आर एंडोर्स्ड बाय इस्लाम, द पख्तून इज नथिंग विदाउट इस्लाम। जिस तरह की मैंने बताया कि इकबाल से मुतासिर नजर आ रहा है और उनकी मर्दी मोमिन शायद उनकी नजर में है, तो ये शेर एक सबूत है। पख्तों में द इस्लाम द ला इलाह न इज्जत करे, पख्तों में द इस्लाम द ला इलाह न इज्जत करे, हम देख दरा करे द जन्नत द चमन पता, आई हैव लर्न पख्तो फ्रॉम द ला इलाह ऑफ इस्लाम, दिस पख्तो हैज गाइडेड मी टुवर्ड्स पैराडाइज, ये तर्जुमा है। तो इससे खूब पता चलता है कि यार वो क्या है कि जो पख्तून वली है, पख्तून सोशल कोड है, वो असल में हमजा इसी में ज्यादा वो इंटरेस्टेड है। दिस कंफर्म दैट हमजा इज मोर इंटरेस्टेड इन पख्तून वली अ सोशल कोड ऑफ पख्तून देन पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ओके, ब्रेफरी faithfulness, provision of shelter, hospitality and all other features of Pakhtunwali have found a place in Hamza's poetry. Our Pakhtunwali ki jitne bhi aham features hain, theek hai, wo bravery hai, ghairat, bahadri, wafadari, okay, panah dena, acha hospitality, mehman nawazi, aur is tarah jo jharga hai wagaira, ye sari maujood hai yahan। तो मसलन हॉस्पिटैलिटी के हवाले से देखिए, दा उम्मीद में द पख्तून अशना नो, दा उम्मीद में द पख्तून अशना नो, चिमिल मई द हुजरे तले नहर दे, आई डिडंट एक्सपेक्ट द पख्तून फ्रेंड दैट हिज गेस्ट लेफ्ट हिज हुजरा विद एम्प्टी स्टमक। तो ये क्या है पख्तून वली के हवाले से वो उनकी शायरी वो काफी अहम है हमजा की। नेक्स्ट ओके, इस तरह अगर हम देखें तो पख्तून वली का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पख्तून के सोशल कोड का एक मसला क्या है, वो जरगा भी है और तिका भी है, ठीक है सुलह। तो ये देखिए, जमा और दरकिब खो बखुद तिग माते दला, जमा और दरकिब खो बखुद तिग माते दला, बेगा चिटूल अशपाशना पस्तर को के साथ अलम, माई ट्रूस विद माई राइवल हैड टू गो विद ऑल नाइट माई लव हैड एन आई ऑन मी, और इवन की इन हिज लव हमजा इज टू केयरफुल टू कीप द स्पिरिट ऑफ हिज पख्तून एंड नॉट लेट हिज पख्तून एगो अंडरमाइंड, यानी जो पख्तूनों का जो गैरत है, ठीक है, बहसियत जो एगो है, वो बहरहाल वो अगरचे एक आशिक हैं, ठीक है, लेकिन अपने एगो को वो नहीं बोल रहा है, इस हवाले से वो काफ़ी वो अलर्ट हैं। माँ कुछ वर्त ले मकड़ो जमा सर न टिटे दो, माँ कुछ वर्तले मकरो जमा सर न टिटे दो, शायद चिपोल फत के हम अफगान पद के दम, आई लोअर्ड माई गेस बट डिडंट बो माई हेड, परहैप्स इवन इन लव आई वाज गोइंग टू स्टे इन अफगान, यानी मोहब्बत की वजह से मैंने अपनी नजरें झुकाई लेकिन अपना सर नहीं झुकाया, क्योंकि पख्तून किसी के सामने सर नहीं झुकाता, ये हमजा का मौकिफ है। तो इसलिए कहता है कि मेरा जो मेरी जो मोहब्बत है वो पख्तून है, अफगान है, लिहाजा मैंने सर मैं सर नहीं झुकाता। नेक्स्ट ओके, फिलासॉफिकल ग्लिम्सेस, यानी जो फिलासफी के मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो भी हमजा की शायरी में बकसरत पाए जाते हैं। Besides the tasawwuf, there are also found other concepts of philosophical nature in Hamza's poetry.
सच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी जिंदगी और मौत का जो कॉन्सेप्ट है फिलासफी में ये काफ़ी डिस्कस होते हैं। मैंस प्लेस इन द यूनिवर्स, इस कायनात में आदमी का क्या है, प्लेस क्या है, मुकाम क्या है, फ्री विल एंड डिस्टिनेशन, फ्री डिस्टिनेशन, ठीक है, जब कदर के जो मसाइल हैं, यानी इंसान बाय अख्तियार है या सिर्फ वो तकदीर का पाबंद है, फेटलिज्म जिसे हम कहते हैं। इट शुड हाई वो बी रिमेम्बर दैट ही सीज ऑल दीज थिंग्स इन द फ्रेम ऑफ हिज बहादुर वजूद। लेकिन जितने भी ये हमें कॉन्सेप्ट नजर आएंगे इसमें ज्यादातर फिर बहरहाल बहादुर वजूद का जो क्या है आईना है उसी ही में वो देखता है। फना की द बका खुंदुल आखलम, ये फॉर एग्जांपल पना और बका ये भी तसव्वुफ के अहम पहलू है और फिलासफी में भी इसका काफ़ी वो इस पर बहस होता है। फना की द बका खुंदुल आखलम ची फना लहद तीरशी बकाशी, आई एंजॉय द टेस्ट ऑफ सब्सिस्टेंस इन माई एक्सटेंशन और इनहीलेशन, व्हेन एक्सटेंशन एक्सीड्स इट्स बाउंड्स इट बिकम सब्सिस्टेंस। फना और बका ये दो अहम है कि यानी जब मैं इतना गर्क हो गया हूँ, फना हो गया हूँ कि वो फनाई ने मुझे एक इटर्नल शेप दिया है, मुझे एक सबसिस्टेंस लेवल तक पहुंचा दिया है। फिर विद रिस्पेक्ट टू मैंस फ्री विल, यानी क्या है मैन को इख्तियार कितना है, तो इस हवाले से वो कहता है कि मजबूरी दी चिखकारी की नो सनिश्ता, मजबूरी दी चिखकारी की नो सनिश्ता, द इंसान द इख्तियार पा आई नके, यानी इंसान की जो इख्तियार दिया गया है तो इसमें बहुत सी मजबूरियाँ है, बहुत सी लिमिटेशन है, यानी इंसान को इख्तियार दिया गया है लेकिन ये लिमिटेड है। हमजा ये बाहर कराना चाहता है, इन द माइंड ऑफ मैन फ्री विल देयर आर नो सेल्फ हेल्पलेसनेस। ओके नेक्स्ट वन। ओके हमदा फादर सेज दैट इट इज नेचर दैट लाइक प्रोड्यूसेस लाइक, बट ही हैज पर्सनली एक्सपीरियंस क्वाइट अपोजिट, यानी ये हमेशा है कि एक जो लाइक बॉडीज है अपनी तरह ही बॉडीज क्रिएट करता है, ओके रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है इस हवाले से काफी वो मुख्तलिफ रहा है। मनम ची जिन्स लखपल जिन्स से पैदा की मुदाम, मनम ची जिन्स लखपल जिन्स से पैदा की मुदाम, जमा खंदा वाले जड़ा खुशहाली गम जिगबी, यानी कायनात का तो नेचर ये है कि जिस तरह जिन्स हो उसी तरह वो क्रिएशन करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन मेरे साथ जो मसला है वो काफ़ी उलट है, क्योंकि मेरी जो हंसी है इससे वो रोना क्रिएट होता है और मेरे जो खुशी है इससे गम क्रिएट होता है। आई एक्नॉलेज दैट लाइक प्रोड्यूस लाइक ऑलवेज, बट वाई माई लव मेक्स मी वीपिंग एंड जॉय क्रिएट्स ग्रीफ। मैं ये मेरे समझ में आता कि ये मेरे जो क्या है, यानी मेरी खुशी हमेशा गम में तब्दील हो जाती है। एट द सेम टाइम हमजा इज नॉट डिसअपॉइंटेड विद द पोटेंशियल ऑफ मैन, विद द पोटेंशियल मैन हैज, मैन कैन स्टिल अचीव सिग्निफिकेंटली इफ स्ट्राइव्स, यानी इंसान जाहिर है कि बहुत सी मजबूरियां हैं, उनका जो इख्तियार दिया गया है बहुत महदूद है, लेकिन फिर भी उसमें ये पोटेंशियल है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इंसानियम द फितरत पर तकाजो के नराजम, शाहिनियम द कारगानों पर पंचो के नराजम, योसिनियम द सहबा द पिर जवनी व हम जोश, लेकिन ज़द कम ज़र्फ़ो पकासो के नराजम, ठीक है, यानी मेरी कद्र कीमत तो उन लोगों मेरे कद्र कीमत का उन लोगों को पता होता है जो क्या है, जो आला ज़र्फ़ वाले होते हैं, कम ज़र्फ़ वाले वो मेरी जो इंसानी क़ुव्वत है, वो मेरी जो सलाहियत है वो उनकी समझ में वो नहीं आ रही है। आई एम अ ह्यूमन होम इवन द नेचर कैन नॉट रिस्ट्रेन, लाइक अ फॉल्कन आई एम द पॉज ऑफ क्रोस कैन नॉट रीच मी, आई एम एन ओशन ऑफ वाइन ओके ऑफ लव एंड नॉलेज, इन हाई टाइड ऑफ पैशन ऑफ विच अ ड्रॉप कैन नॉट द गॉबलेट्स ऑफ दिस अपस्टार्ट होल्ड। तो ये यानी जो अशार हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट, अच्छा रोमांटिक पोइट्री,
ये हकीकी से हकीकी शायरी भी है हमजा ज़्यादातर, लेकिन इसमें जो क्या है मजाजी शायरी भी इसमें है। ठीक है, अपनी मजाजी महबूब के हवाले से जो उनका ख्याली महबूब है वो भी यहाँ मौजूद हैं। हमजास अर्ली पोइट्री इज पर्टिकुलरली रोमांटिक, वाइल द लेटर पोइट्री इज प्रेडामिनेंटली मिस्टिक एंड फिलोसॉफिकल बट नॉट टोटली डिवाइड ऑफ रोमांस, यानी रोमांस से खाली नहीं है। ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री की जितनी भी खसूसियात होती हैं, मसलन लव अफेयर्स, ओके, अच्छा ब्यूटी ऑफ पिलावेटा, फैंस ऑफ सेपरेशन, मोहब्बत के जो मामलात हैं या महबूब की जो खूबसूरती है या जो गमे फिराक है, हिजरान है, जायसा पिलावर्स कंपनी, महबूब से मिलने की जो खुशी है, ये सारी चीज़ें हमजा की शायरी में वो मौजूद हैं। और खूबसूरत वंडरफुल सिमिलीज एंड मेटाफर्स, तशबीहात और इश्तहारों के साथ, यानी खूबसूरत उस्ताद तूफानी नजर बसा शे लंडा लंडा, ये एक शेर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। उस्ताद तूफानी नजर बसा शे लंडा लंडा, नासी नवे नवे अस्पे दी बरा पैदा कम, ये जो उनका मशहूर गजल है, पैग चिलो जुना दा दरोग दिल इख्तिया कम, तरा तसबा सबा कवा सबा बेगा कम, उसी का एक मैंने दिया है। यू आर स्टाम्प लाइक गैस विल गेट आउट ऑफ ब्रेथ, आई शेल प्रोड्यूस सच नावेल सेफ, हमजा यानी क्या है, यहाँ उन्होंने जो मजाज रोमांटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। अच्छा, हमजा होल्ड दैट लाइफ विदाउट बिलाइट इज यूजलेस एंड समटाइम प्रोड्यूसेस अ वेरी रोमांटिक एनवायरनमेंट थ्रू द यूज ऑफ हॉट टचिंग वर्ड्स, यानी बाज़ औक़ात तो बहुत ही खूबसूरत वो एनवायरनमेंट, रोमांटिक एनवायरनमेंट माहौल पैदा करता है, और जिससे आपको अगेन जो लिटरेचर डिस्कोर्स हैं उसी की भरपूर झलक हमें नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, शवगिरे दखपल जंगुम द पासखन का, शवगिरे दखपल जंगुम द पासखन का, खुद खूब दपारा स्ता जंगुन पकार दे, स्लीपलेस नाइट्स आर बिटर टू पास ऑन वंस ओन नीड्स बट टू स्लीप आर रिक्वायर्ड, दिस इज द ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, ओके, सिमिलरली कंपेयरिंग द ब्यूटी ऑफ हिज बिलावेट विद सन, यानी यह अपनी जो बिलावेट की महबूब की जो ब्यूटी है वो सन के साथ, सूरज के साथ, वो खूबसूरत तरीके से वो कंपेयर करता है, तस्वीर देता है। द पैन ऑफ द सन वेंट अप टू द स्काई, यानी जो जी ऊपर जो क्या है सूरज जो ऊपर गया है, ये किस वजह से कि मैंने तुम्हारी जो ब्यूटी है खूबसूरती है इसके साथ वो क्या करना, इसको मिजान पे रखा। ठीक है, स्केल यानी मैंने इसको स्केल करने की कोशिश की, लिहाजा जो तुम्हारी ब्यूटी है वो भारी हुई और सन इस वजह से ऊपर आसमान की तरफ गया, ये या इसी से मिलता जुलता वो रहमान बाबा का भी एक शेर है कि माच दस्ता हुसन नस्ब मैसरा तलल को, तली पर मेजान की तरह आसमान नस्ब मई नुआर दी, ये इस तरह रहमान बाबा का भी एक शेर है। अच्छा, हमजास रोमांटिक पोइट्री हैज ब्यूटीफुल फोक टचेस एज वेल, यानी जो देहाती झलक है वो भी उनकी क्या है फोक कल्चर की जो झलक है वो भी हमजा के शायरी में वो मौजूद हैं। द रूरल रिफ्लेक्शन इन हिज पोइट्री मूव द हार्ट डीप, और दिलों पर काफी वो असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, लाड़ो लिवनी दी कल है प्रे खोदो, ठीक है, कल है लाड़ो लिवनी दी कल है प्रे खोदो, उस दे पसर खावरे बात अब करना, यू आर मैड लेफ्ट योर विलेज नाउ कॉस्ट द डस्ट ऑन योर हेड, ओके दैट डजंट मैटर, तो ये यानी वो रूरल रिफ्लेक्शन की झलक, रूरल रिफ्लेक्शन यहाँ है। ओके, इस तरह उनके एक इसी मौजू पर यानी जो हम रूरल टचेस के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस शेर में भी हैं। पजवन बनदरजम चित खुशाले, पजवन बनदरजम चित खुशाले, हम जब मरस्ता पकसो तेरे गम,
ठीक है, तो ये इंतहाई सादा सादा अल्फाज में जो क्या है उनकी शायरी है और मुफ्त हार्ट दिलों पर काफ़ी असर करता है। नट थ्रोट माई ऑफ माई लाइफ आई शेल विजिट इफ यू आर हैप्पी सो योर स्ट्रीट्स ओनली हमजा स्ट्रीट बॉडी विल पास थ्रू। ठीक है ठीक है, अगर आप महबूब से कहता है कि आप इसी पे एग्री है कि यार खुश है कि मैं आपकी जो गली कूचा है उस तरफ न जाऊं, तो मेरा ये वादा है कि मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मेरा डेड बॉडी ही जाएगा। सिमिलरली हमजा इज फेमस फॉर हिज मेटाफर्स एंड सिमिलीज, उनके जो जाहिर है कि गजल का शायर है तो मेटाफर्स सिमिलीज जो इस्तियारे और तश्बीहात होते हैं वो गजल की जान होते हैं, तो वो हमजा की यहाँ बकसरत पाए जाते हैं। वो पुरानी तश्बीहात हैं उनको नए जामा पहना है, अपनी खुद नई तश्बीहात इस्तियारे क्रिएट किए हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ लव अफेयर एंड वंडरफुल यूज ऑफ मेटाफर इन इज अ फेमस वर्स। ये उनका क्या है एक शेर है मशहूर, इसमें आप देख सकते हैं, जिर्दियम जुल्फ था दमख पतमा जद हिंदवानों ने कश्मीर वालों, यानी कश्मीर क्या है जो महबूब की जो जुल्फ हैं उनको हिंदू के साथ ताबीर किया है, और क्या है उनके जो चेहरा है उनको कश्मीर जो कि खूबसूरती के हवाले से मशहूर है उनके साथ उन्होंने ये कंपेयर किया है। वॉचिंग योर ड्रेसेस विद लॉन्गिंग लॉन्गिंग फॉर योर फेस आई ओनली डिमेंड कश्मीर फ्रॉम द हिंदूज, यानी अगर मैं तेरे जल से कहता हूँ कि हट जाओ महबूब के चेहरे से, तो गोया कि इस तरह है कि मैं हिंदू से कश्मीर छीनना चाहता हूँ। तो ये क्या है हमजा की वो शायरी की चंद वो आस्पेक्ट्स हैं मैंने रखे आपके सामने, ये आपके लिए काफ़ी हैं। और बहुत क्या है हमजा की जो फिलासफी है उनके जो थॉट हैं वो काफ़ी वो वक्त भी चाहता है और जहन भी चाहता है, तो खुद आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप इसे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।